नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 12 कर्मवीर स्पेशल एपिसोड 15 जनवरी को प्रसारित हुआ। इस हॉट सीट पर गुजरात की पाबीबेन रबारी और पेशे से सोशल वर्कर रवि कट्टापाड़ी हॉट सीट पर बैठे। इनका साथ गेम में अनुपम खेर ने भी दिया है। दोनों कंटेस्टेंट ने मिलकर 25 लाख रुपये जीत लिए, जो कि दोनों में बराबर बांटे जाएंगे। रवि कट्टापाड़ी की बात करें तो वह कर्नाटक के उडुपी के एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो कि शैतान बनकर लोगों के चेहरे पर हंसी लाते हैं। रवि शैतान है, लेकिन इनके शैतान बनने का मकसद है बच्चों को जीवन दान देना। लोगों का मनोरंजन करके रवि अभी तक 54 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा कर चुके हैं और उस रकम से 28 बच्चों की जानलेवा बीमारियों का इलाज भी करा चुके हैं। रवि कहते हैं कि बच्चों के ठीक होने से उनकी माँ से ज़्यादा खुशी हमें मिलती है। बता दें कि हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर रवि अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। उससे जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं उससे वह बच्चों का इलाज कराते हैं। रवि साल में केवल 2 बार ही अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। साल के बाकी दिनों में वह तिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। रवि कट्टापाड़ी के पास रोजाना लोगों की चिट्ठियाँ आती है। यह चिट्ठियाँ उन अभिभावकों की होती है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाते। रवि उन चिट्ठियों पर लिखे एड्रेस पर जाते हैं, बच्चों की बीमारी पता करते हैं और फिर डॉक्टर से बात करते हैं कि क्या बच्चे का इलाज हो सकता है या नहीं। अगर डॉक्टर कहते हैं कि इलाज संभव है, तब रवि उस बच्चे का इलाज कराते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।